नमस्कार साथियों, जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। आज जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो स्पेशल मैं आ चुका हूं अभी फ़िलहाल बलवाड़ा और सॉरी बाईग्राम आ चुका हूं, जहां पर शनि मंदिर स्थापित है, हमारा नवग्रह का प्राचीन मंदिर है। और उसके पीछे से जा रही है हमारी इंदौर इच्छापुर हाईवे, जिसका जो फर्स्ट टनल है उसका वीडियो हम हमारे चैनल पर दिखा चुके काफ़ी बार, और आज भी उसकी थोड़ी सी झलक हमारे चैनल पर दिखाएंगे। और साथ ही साथ दूसरी टनल जो कि सबसे लंबी टनल बनने जा रही है, वो जो दूसरा घाट आता है भैरव घाट के आगे, उस घाट में बनने वाली है, जो कि शनि मंदिर बलवाड़ा जो हमारे बाईग्राम का शनि मंदिर है उसके पीछे से जा रही है। और अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ बाईग्राम शनि मंदिर के पीछे की साइड, इधर मेरे पीछे की साइड जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ से थोड़ा आगे आपको जो घर दिख रहे हैं वहाँ पर मंदिर है, और मैं पीछे की साइड खड़ा हूँ जहाँ से गुजरने वाली है इंदौर इच्छापुर हाईवे की दूसरी टनल और जिसका कार्य शुरू हो चुका है। तो आज हम पहली बार इस स्थान पर पहुँचे और हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार आपको मैं ये स्थान दिखा रहा हूँ जहाँ से दूसरी टनल का जो है शुभारंभ हो चुका है, और बहुत ही जल्दी जो दूसरी टनल है वो आकार लेने वाली है। और अभी वहाँ पर कार्य जारी है, आसपास की जो जगह है उसको उन्होंने व्यवस्थित कर लिया है, और जहाँ से रोड आ रही है वो स्थान भी व्यवस्थित कर दिया गया है, और जो टनल का काम है वो जल्द ही शुरू होने वाला है। तो आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ इंदौर इच्छापुर हाईवे की जो दूसरी टनल जहाँ से बनने वाली उस स्थान को। ये इस साइड से जो है रोड बनते हुए आएगी, सामने आपको दिखाई दे रहा है काम। अभी फ़िलहाल कुछ घर बीच में आए हुए हैं, उनको बाद में हटाया जाएगा और किया जाएगा काम आगे का। पहले यहाँ पर टनल का कार्य शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले टनल का कार्य कम्प्लीट होगा। मौसम थोड़ा ख़राब है, बादल कम ज़्यादा होने के कारण जो लाइट है वो इफ़ेक्ट चेंज होते जा रहा है, इसलिए वीडियो ठीक से आ नहीं रहा। तो साथियों चलिए आइए हम आगे से आपको करीब से और यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं जहाँ पर जो है दूसरी वाली टनल बनने जा रही है। ये दूसरा जो घाट है हमारा वो आने वाला है इंदौर इच्छापुर हाईवे का कुछ ही आगे, उसके लिए यहाँ से जो घाट का है वो शुभारम्भ किया जा रहा है। और ये स्थान शनि मंदिर के जस्ट पीछे की ओर आता है, सामने आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शनि मंदिर स्थित है और इसके पीछे से ही ये टनल जो है गुजर रही है। तो आइए चलते हैं आगे और दिखाते हैं उस स्थान। तो साथियों देखिए जो मैं सामने आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये जो शनि मंदिर के पीछे की साइड से जो टनल निकलने वाली है उस टनल का नज़ारा है, जो कि काफ़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है उसका, और बहुत ही जल्दी यहाँ का भी जो टनल है वो आकार लेने वाली है। और भैरव घाट की जो टनल है आपको दिखाई, और उसके बाद जो दूसरी टनल है वो यहाँ पर बन रही है, और ये उसका नज़ारा है, काफ़ी तेज़ी से इसका कार्य चल रहा है, और बहुत ही जल्दी ये जो टनल है ये भी अपना आकार ले लेगी, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो वो भी हम आपको हमारे चैनल पे ज़रूर दिखाएंगे जब टनल आकार ले लेगी। काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पर भी। और जब ये रोड कंप्लीट होगी बनके और ये टनल, तो इसका भी नज़ारा बहुत ही सुंदर होगा। प्रकृति के बीचों बीच ये है टनल बन रही है, आसपास पहाड़ी इलाका और जंगल इलाका, और उसके बीचों बीच ये टनल बन रही है, तो काफ़ी सुंदर और बहुत ही अद्भुत नज़ारा होने वाला है टनल बनने के बाद। टनल कंस्ट्रक्शन का जो काम है काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ है यहाँ पर भी, और बहुत ही जल्दी यहाँ की टनल भी आकार ले लेगी, और जो दूसरा वाला घाट है उसकी भी जो चढ़ाई की यात्रा है वो समाप्त हो जाएगी, और वाहनों को चलाने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। तो ये आज हमने हमारे वीडियो के माध्यम से आपको दूसरी टनल का नज़ारा दिखाया है।
काफ़ी धूप में भी आज हम आपको इस टनल का जो ये नज़ारा है दिखाने के लिए आए हैं। तो एक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारी हिम्मत और बढ़ाता है ताकि और आगे हम इसी प्रकार से जो हमारे आसपास के क्षेत्र में कई प्रकार के जो अन्य कार्य होते हैं उनकी जानकारी दे पाएँ और इसी प्रकार वीडियो एक के बाद एक हम बनाते रहें। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, ये वह शनि नवग्रह मंदिर है जिसके पीछे टनल का कार्य चल रहा है और टनल के साथ साथ आज मैं आपको शनि महाराज के भी दर्शन करवाता हूँ। तो वीडियो में बने रहें और बाबा के दर्शन भी जरूर करें एक बार। जय शनिदेव। यह मंदिर के अंदर आ चुके हैं और काफ़ी विशाल मूर्त यहाँ पर शनिदेव की है और साथ ही बाकी ग्रह भी यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि पूरा नवग्रह मंदिर और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। ये दर्शन कीजिए, सभी ग्रहों के दर्शन करवाता हूँ मैं और फिर हम बढ़ेंगे आगे। जय शनिदेव। तो साथियों, शनिदेव के दर्शन करने के बाद और जो दूसरी टनल बन रही है उसको देखने के बाद हम आगे बढ़ चुके हैं। अब हम आगे जाएंगे, खेड़ी घाट नर्मदा जी के दर्शन करेंगे और वहां पर ब्रिज का कार्य कितना हुआ है उसकी भी जानकारी आपको हम हमारे वीडियो के माध्यम से देंगे। तो वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। तो गाइज़, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो नर्मदा के ब्रिज के पुल है, आप वो पिलर्स हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं नर्मदा जी के पास और ब्रिज जो निर्माण कार्य चल रहा है वो भी आपको मैं दिखाता हूं। बहुत समय पहले हम आए थे और यहां का वीडियो हमने डाला था, तब काफ़ी तेज़ी से यहाँ कार्य चल रहा था और अभी भी कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। पिछली बार आए थे तो केवल पिलर्स खड़े थे और ये इधर के पिलर्स का काम चल रहा था। ये पिलर्स भी इतने खड़े हो चुके हैं और पीछे के पिलर्स के ऊपर जो उन्होंने बीम लेंटर्स जो बनाए हुए थे नीचे रख के, उनको भी रखना शुरू कर दिया है और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और इधर आगे जो है पाइलिंग का काम भी ज़ोर शोर से जारी है, बाकी जो बची हुई है उधर पीछे की साइड और इस साइड के सारी पाइलिंग्स का कार्य भी पूर्ण हो चुका है और ब्रिज का काम चल रहा है। इधर पिलर्स खड़े हो रहे हैं सब। और ये देखिए, सभी जो वर्कर्स हैं अभी गर्मी का मौसम है तो पानी के अंदर मज़े ले रहे हैं सब नर्मदा जी में। जो है पूरी नर्मदा नदी के ऊपर एक कच्चा ब्रिज तैयार कर दिया है जिसके ऊपर से मशीनें इधर से उधर से आना जाना चल रही है और ये इस प्रकार से कच्चा ब्रिज का निर्माण किया जिसके नीचे से पूरा पानी बहकर जा रहा है उस पार, ताकि जिससे पानी भी ना रुके नर्मदा जी का और कार्य भी सुलभता से होता रहे। और ये चल रहा है काफ़ी तेज़ी से काम, उस साइड से जो है पिलर्स तैयार होते हुए आ रहे हैं। इस साइड का काम अभी जो है ब्रिज के पिलर्स का काम आज बंद है और जो गार्डर हैं पिलर्स के ऊपर रख रहे हैं उधर, उनका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है इस साइड से। तो आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी लंबा ब्रिज आपको दिखाई दे रहा होगा, पिलर्स ही पिलर्स। कल कल बहती मां नर्मदा के ऊपर मगरमच्छ के आकार का बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा ब्रिज निर्माण कार्य जो है तेज़ी से चल रहा है। बहुत ही जल्दी ये ब्रिज का कार्य पूर्ण होगा और फिर हम यहाँ पर नए ब्रिज के ऊपर से निकलेंगे जिसका आकार मगरमच्छ के समान रहेगा और काफ़ी सुंदर ब्रिज रहेगा। तो साथियों, हम नदी के एकदम बीचों बीच आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इधर नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा इस साइड भी देख सकते हैं।
और नदी के एकदम बीचों बीच आ चुके हैं हम, जहाँ तक कच्चा ब्रिज बना था उसके ऊपर। और उस साइड जो है काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है ब्रिज का भी, कच्चे ब्रिज का भी, और साथ ही साथ पाइलिंग का काम चल रहा है, ताकि आगे जो बीच का और इतना रास्ता बचा है वो भी कंप्लीट करने के बाद और फटाफट से ब्रिज का कार्य पूर्ण हो, और साथ ही पाइलिंग का काम भी चल रहा है। माँ नर्मदा नदी में जो है कि आप देख ही सकते हैं कि पानी बहुत कम है, उसके बाद भी बहाव काफ़ी तेज़ है। और ये ब्रिज का नज़ारा मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ थोड़ा। तो ये अभी फ़िलहाल हम माँ नर्मदा के तट पर हैं और हम बीचों बीच में आ चुके हैं कच्चे ब्रिज के माध्यम से, और अब जा रहे हैं आगे की ओर। तो आपको और दिखाते हैं आगे कि जो गार्डर ब्रिज के ऊपर रखी गई है और जो काम चल रहा है वो भी आपको आगे चल के दिखाते हैं। अभी हम नीचे आए हुए थे, यहाँ पर हमने काम देखे पाइलिंग के और जो ब्रिज का काम चल रहा है वो देखा। आगे हम चलते हैं और देखते हैं गार्डर जो रख रहे हैं ऊपर उस स्थान पर भी, कि काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और कितना लंबा ब्रिज वहाँ से नज़र आ रहा है, और उसके बाद फिर निकलेंगे आगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, और साथ ही साथ चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये सामने जो आपको धुंधला सा दिखाई दे रहा है रेलवे का ब्रिज है, जिसको भी तोड़ा जाने लग गया है। ये इस साइड से टूट चुका है इतना, और इस साइड से भी उसको तोड़ दिया है करीब जाके, और आपको दिखाएंगे अभी हम थोड़ा सा नज़ारा उसका भी। तो ब्रिज भी टूटने लग गया है। सीताराम। तो साथियों देखिए अभी हम नज़ारा दिखा रहे हैं थोड़ा ब्रिज का आपको ऊपर तक, काफ़ी हाइटेड ब्रिज है, बहुत ही ऊंचा ब्रिज है ये, और उस पर आगे गार्डर रखी। और ये हम आ चुके हैं पूरी तरह से ऊपर, और ये देखिए गार्डर ब्रिज के ऊपर रख दी गई है और काफ़ी तेज़ी से चल रहा है काम। और ये दूसरी साइड पे भी गार्डर रखने का काम शुरू हो चुका है, जो क्रेन है वो लग चुकी है और अब गार्डर उठा उठा के यहाँ से और ब्रिज के ऊपर रखेंगे। तो ये नर्मदा ब्रिज के बाद हम आ चुके हैं रेलवे ब्रिज के करीब, और आपको करीब से थोड़ा सा नज़ारा दिखा रहे हैं। जो ब्रिज तोड़ा जा रहा है रेलवे का, छोटी लाइन का ब्रिज है ये, जिसको गैस कटर के माध्यम से काट काट कर और इसके टुकड़े किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से जेसीबी से जो पिलर से उनको भी तोड़ना शुरू कर दिया गया है। चूना पार्सलिनी से साथ ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये है तेजाजी नगर का नज़ारा, जहाँ पर कई सारे पेड़ हुआ करते थे और आसपास हरियाली थी, सभी पेड़ हटा दिए गए हैं। ये देखिए इधर कटे हुए पड़े हैं, तो इस प्रकार कई सारे पेड़ थे सब हटा दिए गए हैं, और रोड को जो है छोड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हाईवे का काम तेज़ी से शुरू होगा इधर, जो सभी पेड़ों को हटा दिया गया है। और ये सामने आ गया है तेजाजी नगर का ब्रिज आ चुका है देवास बाईपास का। ये हम सभी दूर से घूमते हुए अब पहुँच चुके हैं तेजाजी नगर। तो साथियों आज का वीडियो और वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक पहुंचाई मेरे द्वारा, वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की अन्य जानकारियां आप तक हम पहुँचाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही, चलते हैं अगले वीडियो की तैयारी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।